फतेहपुर के बिंदकी कस्बे को जाम व दुर्घटनाओं से निजात दिलाने के लिए 8 करोड़ 23 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 2011 में 5 किलोमीटर लंबाई का बिंदकी बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन किसानों के जमीन सर्किल रेट विवाद पर निर्माण कार्य बंद हो गया। 10 वर्ष से लंबित इस रोड के निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं के निदान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बिंदकी तहसील सभागार फतेहपुर में किसानों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं का निपटारा करते हुए अधूरे निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया, ताकि बाहरी वाहनों का आवागमन कस्बे के अंदर से बंद हो जाए और आम जनमानस को राहत मिले। साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि रिन नदी में ओवरब्रिज बन जाने से स्थानीय लोगों को लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य जनता के बीच पहुंचकर जन सुविधाएं पहुंचाना है और इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। देखिए, 2011 में अधिग्रहण की गई थी, रोड के लिए स्वीकृत हुआ था, किसानों से जमीनें भी खरीदी गई थी। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उसको तत्काल पहले जमीन ली जाती है, लेने के बाद ही कोई काम शुरू किया जाता है। लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी, मैं नहीं जानती हूँ क्यों नहीं किसानों को मना पाई, क्यों नहीं खरीद पाई, और वो आज इतना बड़ा सिरदर्द हो गया है कि नगर के कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज उसी को लेकर के बैठक थी करमेर जी के साथ कि ये कैसे भी हो समाधान हो, हमें नगर की सुरक्षा चाहिए, नगर के बच्चों की सुरक्षा चाहिए। बाईपास बनने के बाद नगर कम से कम सेफ सुरक्षित हो जाएगा उसी